कि तुम्हारे बस तुम्हारे मंतिक, तुम्हारी लॉजिक, तुम्हारी रीजनिंग अपने आप में, अपने आप से तुम इस दुनिया के और अपने मसाइल को सुलझा नहीं सकते। हर मसले का हल कुरान मजीद में मौजूद है। हर मसले का हल अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस में मौजूद है। और हमारा काम है, हमारे ऊपर फर्ज है इसीलिए करना। कैसे करें, कैसे करें, मैंने ये बताया सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुभान व तआला ने फरमा दिया कि हमें दावत का हिकमत से करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा फितना फसाद। कई सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि दावत दीन के नाम से इस काम को उठाते हैं और फितने फसाद मसले मसाइल में उलझ कर अपनी जिंदगी को उसमें ही कंटिन्यू करते हैं। शैतान हमें यही बताता है कि हम दावत दीन के काम के जज्बे से होते हैं और शैतान हमें उसमें ही मुतमईन कर देता है जब आप मसले मसाइल लेकर उसी पर शुरू करते। मसले मसाइल हमारा काम नहीं है, वो हमारे आलिमों का काम है। माशाल्लाह आलिमों से मसले मसाइल पूछिए। हम ऐसे मुस्लिम नौजवान दावत दीन करने जब उठते हैं, ऐसे दाए सिर्फ दावती काम करे, अगर आपको सारे में मसले मसाले आते हैं तो छोटे मोटे मसले मसाले को सुलझाते हैं तो ठीक है, मगर मुतमईन अगर मुकम्मल तौर पर आप उसी पर लगे तो शैतान आपको उसी पर मुतमईन करने जा रहे हैं, मैं दावत काम कर रहा हूँ, ऐसा मत करिए। इंशाल्लाह अगले महीने जनाब महफूज और उनकी टीम ने ये सोचा है कि दावती कोर्स रखे जिसमें हम नौजवानों को बुलाएंगे और अगर दूसरे लोग भी आ सकते हैं, दूसरे भी आना चाहे तो आ सकते हैं। उसमें कोर्स में यही बताया जाएगा कि किस तरीके से गैर मुसलमान के जो सवालात आते हैं इस्लाम के खिलाफ जो गैर मुसलमान के सवाल होते हैं और उसके जो मिसकंसेप्शन होते हैं, उसके जो गलत फहमियां होते हैं, उसको किस तरीके से दूर करें और किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह अगले महीने महफूज और उनकी टीम ने एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया है। जाने से पहले सबसे ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर क्या आप सब लोग दावती काम अल्लाह के दीन को फैलाने में लग जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई ये कहे कि मैं बुजुर्ग हूँ, अगर मेरी उम्र हो गई दावती काम की, तो ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही कब है, 40 साल की उम्र में, जो ये जमाने में रिटायरमेंट का टाइम था, वो जमाने में मोहम्मद सल्लम को पहली वही आई और तब तक काम किया उन्होंने 63 ईयर्स तक, जो की उम्र थी जो ओल्ड एज जो ऊपर की एज होती है वहां उस एज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती काम को अंजाम दिया। जो आज हम मुसलमान बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उस उम्र में दावती काम करने का अंजाम है। तो बुजुर्ग लोग बड़ी उम्र वाले लेना समझे कि भाई क्या काम मेरा नहीं है नौजवान, समझ लाए बात। तो सब ये कहिए अपने आप में इतनी आगे कि दावती काम करेंगे, बहने उधर बहने करेंगे, सुनी नहीं आएगा तो इंशाल्लाह कर लीजिए। इंशाल्लाह दो सवाल होते हैं, अगर किसी को सवाल है किस तरीके से दावती का दावती उम्मान कर किसी को सवाल कर सकते हैं, फिर नमाज पढ़ाएंगे। दो सवाल लेते हैं आप किसी बड़े का सवाल आप लेना चाह रहे हैं जी, 1,00,000 मिल रहे हैं जो भी अंबिया इस दुनिया में आए थे वो ये कहते थे ऐ कौम अल्लाह पर ईमान लाओ, ऐ कौम नबियों पर ईमान लाओ, अल्लाह के कलाम पर ईमान लाओ। हम जब आप ये जनरेशन में गैर कह रहे हैं तो हम गैर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में क्या किया, क्या कहा, दावत किसे देंगे आप शायद शुरू में नहीं दे, मैं शुरू में वही बताया कि हम दावत दीन गैर को ही देना है। अगर
डाइट के अंदर रहा तो वो गैर नहीं हुआ, समझ में आई बात आपको? अगर वो इस्लाम के डाइट के बाहर है तभी वो गैर हुआ, और गैर करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक बच्चा एक स्कूल में नहीं है तो तुम्हें स्कूल में नहीं है बोलना बुरी बात है। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा पता नहीं है कोई फला स्कूल का बच्चा है, अगर मैं कह रहा हूँ तुम फला स्कूल के बच्चे हो, मेरे स्कूल के बच्चे नहीं हो, मेरे स्कूल के स्टूडेंट नहीं, तो उसको कोई बुरी बात नहीं बोला। अगर गैर है तो हम ये हमारी तरफ यही है कि तुम गैर नहीं हो भाई, तुम गैर नहीं रहना, तुम अपने इसी के इस्लाम में आ जाओ, इसी के तुम दीन कबूल करो, अल्लाह को कबूल करो, हम यही चाहते कि तुम गैर ना रहे, हमारे हो जाए इंशाल्लाह। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वही कह रहा हूँ कि ए मेरी कौम जादूगर दीवाना पागल जो भी बोले हैं तो मैं नबी हूँ ना रसूल हूँ ना कोई दावत करने वाला नबी, वो नबी और अंबिया कह देते, नबी और अंबिया को चले जाके कौन कहे, मेरी कौन कहे, हम कैसे कह सकते मेरी कौन, उनकी कौम थी। आपका सवाल यह है कि गैर ना कहें, आप यही कहना चाहते हैं गैर ना कहें, हम भी वही कहना चाहते हैं, हम तुमको गैर नहीं बोलना चाह रहे, तुम इस्लाम के अंदर आते हो, हम गैर नहीं बोलना चाह रहे इंशाल्लाह। चलिए अब नमाज का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी सवाल आते रहे, आप पर्सनल में आकर निजाम अली खान से मिल सकते हैं। मैं सबसे पहले अकाला शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस निशस्त में कामयाब किया, और फिर उसके बाद जज़ाकअल्लाह खैर करता हूँ निजाम अली खान को जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और आकर अपने इल्म से हमें फायदा उठाने दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد عام